वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड फ्रेंड मैं सबासी बैक विद अ न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हो, क्या हाल चाल, कॉमेंट्स में बताना, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो जो है यहाँ पर मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ फुल डिटेल में पोको X3 NFC के साथ इन्फिनिक्स 08 का। अभी दोनों फोन सेम प्राइस ब्रैकेट में आने वाली एक दो डिवाइसेस हैं, जो एक इन्फिनिक्स की तरफ से आती है और एक शाओमी की तरफ से आती है, और दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो आज मैं सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा आज की वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं यार कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा फोन नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो के एंड में मैं अपना भी कुछ ओपिनियन दूंगा रिलेटेड टू कि आप लोगों को दोनों में से कौन सी डिवाइस है जो परचेज़ करनी चाहिए। तो चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब एंड पुट द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस एन अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। और अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, और मुझे हुमैस अब्बासी के यूजर नेम से इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस यहाँ पर मैं ना सबसे पहले डिफरेंट कंपार्टमेंट्स कंपैरिजन करूँगा, जिसमें बैटरी है, प्रोसेसर, डिस्प्ले और ये सब कुछ इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इन्फिनिक्स 08 के अंदर एक 6.9 इंच का एक IPS डिस्प्ले विद 1080p रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपके पोको X3 NFC के अंदर आप लोगों को 6.67 इंच का एक IPS पैनल और LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ फुल HD+ का रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों डिवाइसेज में जो मेन डिफरेंस है डिस्प्ले का, वो है यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़। यहाँ इन्फिनिक्स 08 आपको 90 हर्ट्ज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके पोको X3 NFC आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से इन्फिनिक्स 08 की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को पंच होल में ड्यूअल पंच होल कैमरा देखने को मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल्स प्लस 8 मेगापिक्सल्स, और यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट साइड के ऊपर 20 मेगापिक्सल्स प्रोवाइड कर रहा है पोको X3 NFC। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन्फिनिक्स और फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी ने फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि इससे पहले हमें किसी भी कंपनी की तरफ से फ्रंट साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल्स कैमरा देखने को नहीं मिला। दैट्स अ वेरी गुड साइन। बैक साइड की बात करें तो दोनों में ही प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। बैक साइड के कैमरास की बात करें तो दोनों डिवाइसेस के अंदर काफ़ी यूनिक कैमरा सेटअप हमें प्रोवाइड किया गया है, और दोनों में कोई छापा नहीं मारा गया, बिल्कुल ठीक अच्छी तरीके से कैमरा की प्लेसमेंट की गई है। यहाँ पे अगर आपसे इन्फिनिक्स 08 की बात करें, यहाँ पर बैक पे आप लोगों को 64+8+2+2 के कैमरे देखने को मिल जाते हैं, यानी यहाँ के दूसरी साइड पर आप लोगों को 64+13+2+2 के कैमरे देखने को मिल जाते हैं पोको X3 NFC में, ठीक है। यहाँ पर दोनों में बेसिकली मतलब जो यहाँ पर इन्फिनिक्स वहाँ पर सोनी का सेंसर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पिक्सल बाइनिंग के थ्रू उसको बढ़ाया है, यहाँ पर सही तरह की तरीके से सेंसर लगाया गया और कोई मतलब दो नंबर नहीं की गई इस तरह इन्फिनिक्स तरफ से। बाकी अगर मैं दोनों के चिपसेट की बात करूँ यानी कि प्रोसेसर मेन चीज़, तो यहाँ पे आप लोगों को इन्फिनिक्स 08 के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G90T देखने को मिलता है, जो 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को पोको X3 NFC के अंदर चिपसेट जो देखने को मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 730G, जो कि 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अच्छा, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं और मैं भी कन्फ्यूज़ था कि दोनों में से अच्छा प्रोसेसर कौन सा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 730G ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है और हमेशा स्नैपड्रैगन को किसी भी और ब्रांड से कंपेयर किया जाए जो कि प्रोसेसर बनाती है, तो स्नैपड्रैगन की ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर हैं। बिकॉज हीलियो के जो प्रोसेसर होते तो काफ़ी अच्छे हैं, बट ये किसी दूसरे फ़ोन की निस्बत, किसी दूसरे प्रोसेसर की निस्बत ज़्यादा हीट होते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस काफ़ी इन्होंने अच्छी की होती है, तो काफ़ी थोड़े हीट भी होते हैं फ़ोन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो मैं आपको इन्फिनिक्स 08 के अंदर 4500 mAh 33W फास्ट चार्जिंग, जबकि पोको X3 NFC में आप लोगों को 5160 mAh बैटरी पर 33W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है। फास्ट चार्ज दोनों ही फोन में अवेलेबल है हम लोगों को, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ इस दफ़ा हम दोनों की कंपनी की तरफ से देखी है। और प्राइस की बात करें तो इस वक्त इन्फिनिक्स 08 की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 40,000, जबकि साथ वाले पोको X3 NFC की 41,999, 2,000 रुपये का फ़र्क है। यहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको फुल प्राइस देनी पड़ेगी। स्टोरेज वेरियंट्स की बात करें तो अभी 8GB रैम 128GB इन्फिनिक्स 08 में, 6GB रैम 128GB स्टोरेज पोको X3 NFC के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भाई सीधी बात कि दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अच्छा भाई देखो, इन्फिनिक्स लवर्स जो इन्फिनिक्स ही यूज़ करते हैं तो वो तो भाई इन्फिनिक्स 08 ही लेंगे, और जो शाओमी लवर्स हैं वो पोको X3 NFC ही लेंगे, लेकिन जिसके पास बजट है और उसने दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं किया तो वो फिर पोको X3 NFC की तरफ भी जा सकता है, फिर 08 की तरफ भी जा सकता है। मतलब पोको X3 NFC भी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। पोको कम एड्स डिस्प्ले करता है, मतलब शाओमी कम एड्स डिस्प्ले करता है, बाकी दूसरी साइड पे इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा एड्स डिस्प्ले करता है, इस वजह से मुझे काफ़ी अनॉइंग लगती है ये बात, काफ़ी नोटिफिकेशन भी भेजता रहता है, स्पैम नोटिफिकेशन से इन्फिनिक्स वाले। तो बाकी आप ले सकते हो दोनों में से कोई भी डिवाइस, पर पोको X3 NFC
ज़्यादा सही डिवाइस है, ठीक है, आप दे सकते हो। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब, पुट द बेल आइकन। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दी जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।